नमस्कार, आपका स्वागत है राजनामा टीवी पे। मैं पूनम आपके साथ। राजस्थान में पेपर लीक करने वालों के खिलाफ गहलोत सरकार मौजूदा कानून को कड़ा करने की तैयारी में है। सीएम अशोक गहलोत ने पेपर लीक करने वालों को उम्र कैद की सजा करने का प्रावधान करने की घोषणा की है। इसके लिए विधानसभा के अगले सत्र में बिल लाया जाएगा। इसमें एंटी चीटिंग बिल में संशोधन करके उम्र कैद का प्रावधान किया जाएगा। सीएम ने आरपीएससी और कर्मचारी चयन बोर्ड की भर्ती प्रक्रिया को सुधारने के लिए मैकेनिज्म बनाने की घोषणा की है। सीएम की इस घोषणा को पेपर लीक पर सचिन पायलट की मांगों को मानने के संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। इसे पायलट के साथ सुलह के फॉर्मूले की शुरुआत के तौर पर देखा जा रहा है। सीएम गहलोत ने ट्वीट करके नकल करने वालों को उम्र कैद की सजा करने और भर्ती प्रक्रियाओं में सुधार की घोषणा की। सीएम ने लिखा, राज्य में प्रतियोगी परीक्षाओं में और पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से मुख्य सचिव को निर्देशित किया है कि आरपीएससी, डीओपी, आरएसएसबी और दूसरे हितधारकों के साथ चर्चा कर बेहतर प्रक्रिया तैयार करें। पेपर लीक के खिलाफ बनाए गए कानून में भी अधिकतम सजा का प्रावधान उम्र कैद करने के लिए आगामी विधानसभा सत्र में बिल लाने का फैसला किया गया है। इसी के साथ बने रहे राजनामा टीवी पे। धन्यवाद।